गुड मॉर्निंग, आज हम हमारी जो क्लास है इसमें घुलनशील और अघुलनशील के बारे में सीखेंगे। ये मैंने दो ग्लास लिए हैं, इनमें पानी है। इसमें हम पहले घुलनशील, तो ये मैंने एक बर्तन में ये मैंने नमक लिया है, तो इस नमक को पानी में डालेंगे तो ये घुल जाएगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि ये घुलनशील। ये देखिए नमक, इसको वापस अपन नहीं धो पा रहे हैं क्योंकि वो पानी के अंदर मिक्स हो गया है। ऐसे ही घुलनशील में ये थोड़ी अपन शक्कर भी लेंगे और शक्कर को भी पानी में मिक्स करेंगे। ये भी घुलनशील है हमारा, इसको अच्छे से हिलाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे। वो मिक्स होने के बाद इसमें से वापस बाहर आना नामुमकिन है क्योंकि ये घुलनशील है, पानी के अंदर घुल गई है, मिक्स हो गई है, तो ये हमको दिखाई नहीं देगी। अब अघुलनशील कुछ चीज़ें वो अपन सीखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने ये एक सिक्का लिया है, इसको मैं पानी में ऐसे मिक्स कर रही हूँ, तो पानी में मिक्स करने के बाद सिक्के को अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। है, अगर मान लो हमने एक सिक्का वो डाला, ये भी डाल दिया। जैसे मैंने एक रिंग है मेरे पास, ये रिंग, इस रिंग को भी अपन ने पानी में डाला, ये भी अघुलनशील है, इसको वापस निकाल लेंगे अपन। ये पत्थर का टुकड़ा लिया है, छोटा स्टोन, इसको भी मैंने पानी में डाला है और ये भी अघुलनशील है, इसको पुनः अपन प्राप्त कर सकते हैं, पानी में से वापस इसको बाहर निकाल सकते हैं, भले से इसमें से कितने भी डाल देंगे अपन। तो कुछ भी चीज़ ऐसे जो अघुलनशील है वो पानी के अंदर नहीं डूबती है, मतलब डूब जाती है लेकिन उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन घुलनशील जो है उसको पानी के अंदर मिक्स, जैसे अपन ने नमक और शक्कर डाला है, अभी कहीं अपने को केवल इसमें पानी नज़र आ रहा है, नमक और शक्कर नहीं दिख रहा है। तो ये हमने प्रयोग जो सीखा है घुलनशील और इसमें अघुलनशील, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।